नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, मैं रात को ऐसे बैठा था तो सवेरे देखता हूँ तो मेरा जो वॉच टाइमिंग है अपलाइट ऐप के अंदर पूरी तरह से आ चुका है और मैं जा रहा हूँ चैनल को अपलाइट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने चैनल को किस तरह से मैंने सवेरे के टाइम पे अप्लाई किया था। ये पूरी फुटेज आपको वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दो। तो चलो दिखाता हूँ वॉच टाइमिंग मेरा अपलाइट ऐप में किस तरह से आ चुका है, क्योंकि वॉच टाइमिंग मैंने परसों के दिन से दे दिया था, 153 घंटे दे दिया था, वो कि रुका था वहां पे, वो वॉच टाइमिंग चैनल के अंदर रुका था। और बाद में मैंने 6300-6400 के घंटे कुल मिला के, सभी मिला के 6400 घंटे कुल मिला के दिए, मतलब वो दिए थे मैंने परसों के टाइम पे। परसों से कल डैशबोर्ड पे आ चुका है। कल डैशबोर्ड पे आने के बाद एक दिन जाके फिर आज के दिन पे यहाँ पे वॉच टाइमिंग मेरे इस पे आ चुका है अप्लाई टैब में। तो मैं पूरा डिटेल के साथ वीडियोस दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई फेक वीडियोस नहीं है, आप पूरा डिटेल में देखिए। चलो चलते हैं वीडियोस की तरफ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कीजिए। तो मैं आ चुका डिस्प्ले के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं मेरे वाइट स्टूडियोज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन आ चुका है। और तो और वॉच टाइमिंग के ऊपर मैं जाके आपको दिखाऊंगा कुल मिला के मेरा जो वॉच टाइमिंग है 6400। आप नीचे देख सकते हो 6400 वॉच टाइमिंग यहाँ पे ऑलरेडी से मेरा कंप्लीट हो चुका है। और तो और हम अगर बैक भी करेंगे तो यहाँ पे 7 days और बहुत सारे कुछ है। अगर वीडियोस के ऊपर जाके मैं दिखा देता हूँ तो आप देखिए, वीडियोस कुल मिला के बहुत ज़्यादा भी नहीं, 6-7 वीडियोस है मेरे ऊपर और अप्लाई टैब का ऑप्शन इनेबल है। हमारी जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हम डन करेंगे, नीचे आएंगे, आंसर करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप तो तुरंत हाथों हाथ डन हो ही जाती है। तो इसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम देखने मिला, जो कि मेरे चैनल के अंदर देखने के लिए मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पे फिक्सन एडसेंस और चेंज एसोसिएशन का ये प्रॉब्लम आ चुका था। तो हमने चेंज एसोसिएशन ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, आपको हम दिखाना चाहेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आया तो मुझे पता नहीं है, मगर मैंने चेंज एसोसिएशन को क्लिक करके मेरा जो अप्रूव एडसेंस है उसको यस करके मैंने उस एडसेंस को लगाना चाहा है। तो आप देख सकते हो कि मैं अप्रूव एडसेंस को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी डिटेल यहाँ पे सामने आ चुकी है। और एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा पेज जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रीडायरेक्ट बोल रहा है तो हमें यहाँ पे स्क्रीन को कहीं क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा एडसेंस है ये अप्रूलर है तो इसके वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ पे से देख सकते हो कि यहाँ पे YT स्टूडियोज़ को क्लिक कर लेते हैं। स्टूडियोज़ को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, हम थोड़ी सी वेट करेंगे, वेट करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ओके, ये तो हो गया अपना काम, ये डन हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड स्टेप भी हमारी यहाँ पे कम्प्लीटली डन हो चुकी है। तो हमें हमारी हाथों हाथ यहाँ पे तीसरी जो स्टेप है इन प्रोग्रेस में चली गई है। हमें अब कोई दिक्कत नहीं, चैनल के अंदर कोई मेजरमेंट नहीं है और ये चैनल हमारा यहाँ पे मुझे लगता है मोनेटाइज होके रहेगा, क्योंकि आज ही हमारे चैनल पे अप्लाई टैब में वॉच टाइमिंग आया था और आज ही के टाइम पे हमने इस चैनल को अप्लाई किया है। और भी ऐसे देखने के लिए चैनल के अंदर बहुत भी कुछ है, आप अगर देखना चाहे तो देख भी सकते हो। मगर दोस्तों, मेरे बहुत सारे क्लाइंट के कुछ चैनल पड़े हैं, उनके भी मैं चैनल को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तो YT स्टूडियोज़ को एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सक्सेसफुल यहाँ पे लिंक्ड हो चुका है गूगल एडसेंस मेरा सेकेंड स्टेप के अंदर, और तीसरी स्टेप जो है इन प्रोग्रेस में चली गई है। और यहाँ पे चैनल भी देख सकते हो, बढ़िया चैनल है। तो गाइस, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलो, ओके, बाय दोस्तों।